राधे राधे सभी भाइयों को वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। देखो आज मुझे ये नहीं पता ही मेरे कॉलेज का कौन सा डे है, बट आप देख सकते हैं भाई मैं कल रात ही आई थी। कल रात के सुबह 5-6 बजे आई थी बागेश्वर धाम से, और आज मेरा एग्ज़ाम है। और भाई इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, और पता है मैं अपने साथ इन्हेलर लेके जा रही हूँ। विक्स की टॉफ़ी भूल गई पहले, नहीं पहले इन्हेलर भूल गई तो फिर गई ऊपर, अब विक्स की टॉफ़ी भूल गई भाई, अब नहीं जा रही ऊपर। अब ठीक है जैसा भी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो रही हूँ। सुबह 6 बजे तो मैं आई थी, अब सोचो आप कितनी सोई होंगी। सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है, पूरा ना बॉडी का बैलेंस बिगड़ा पड़ा है ना सोने की वजह से। अब पहले नींद पूरी करनी है, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम नहीं है, परसों, इस वजह से तो रेस्ट मिल जाएगा। परसों के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करूँगी, आज की तो बस ऐसी ऐसी गई। सो गाइज मैंने ना आज व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि भाई मैं थी फुल नींद में। मतलब नींद में ऐसा नहीं होता मेरे साथ, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं झपकी लग जाएगी, पर यार पूरी रात जगी हुई हो गई, और उससे पहले भी सोई नहीं हूँ, तो 2 रात और भाई 1 दिन हो गया। इस वजह से तो मैंने कहा भाई बिल्कुल भी नहीं कार में व्लॉग मत बनाओ, और बिल्कुल मैं कॉलेज के पास ही आ गई, अब बनाना स्टार्ट करा है और ट्रैफिक भी कम हो रहा है। भाई आप लोग को एक बात और बताती हूँ, मेरे को ना 10 हो गई थी मैं उससे एग्ज़ाम से। अब यार देखते हैं कि क्या सीन है, यार थोड़ी मेरी तबीयत वबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसीलिए कॉलेज जा नहीं पाई थी। अगर डिटेन हो गई होंगी तो पहले तो शायद देने दें एग्ज़ाम, अगर नहीं देने देते हैं तो फिर देखते हैं यार क्या करेंगे, मतलब वहाँ पे क्या होगा। अब जाके कॉलेज में पता चलेगा कि भाई एग्ज़ाम का क्या सीन है। और ये देखो हमारा जीएल बजाज का मोड़। सो गाइस मैं कॉलेज से निकल गई यार, मुझे बिल्कुल भी ना बस की नहीं है आज तो कुछ भी, बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो रही है, क्योंकि मुझे 3 दिन बिना सोए हो गए इस वजह से। और भाई एग्ज़ाम हमारा होना और ना होना सब बराबर हो गया आज, उस बात को अवॉइड करो थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे परसों से एग्ज़ाम देना है, तो अब परसों की जाके तैयारी करते हैं। और मुझे अपना मेडिकल देना है, क्योंकि मैं बीच में हॉस्पिटलाइज हुई थी ना, तो उसी के ऊपर तो सर ने बोला कि वो बनवा के लाओ, वो डिपॉजिट कर दो, बट मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं उसे बनवा के ला सकूँ। और आप देख सकते हैं आज ये जो ऐसे जो मैं कपड़े ना कभी नहीं पहन के जाती, हाँ बट मेरे कुछ भी बस की नहीं था, बस मैंने सच बताऊँ मुँह धोया अपना और शर्ट डाली ऊपर से और ब्लेजर पहना, देन आ गए एग्ज़ाम देना। अब सबसे पहले मैं जाके नहाऊँगी, क्योंकि यार कल है थर्सडे और मैं अपना हेयर वॉश नहीं कर पाऊँगी, और मेरे हेयर्स में अच्छी खासी धूल चढ़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा डस्ट थी इस वजह से। अब भाई जाके पहले घर पर रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, देन उसके बाद में नहाना है, खाना वाना खाना है, क्योंकि कल पूरे दिन खाना भी ऐसा कुछ खाया नहीं था, क्योंकि मेरा फास्ट था इस वजह से। सो गाइस भाई मेरे फ्लैट पर हो गया दूध ख़त्म, मैं पहले दूध की थैली लेके जाती हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी भैया से कॉल करके पूछा था पहले दूध लेके और जब जाऊँगी ऊपर, क्योंकि चाय पीनी है मुझे इसलिए। The next day. अब मैं जा रही हूँ भाई कॉलेज, और मुझे अपना मेडिकल डिपॉजिट करके आना है। आज मैं कैजुअल में जा रही हूँ, पता है ऐसा वाला कैजुअल मेरे को ज़्यादा पसंद है, जंप सूट वगैरह, बट मैं पहन के नहीं जाती थी, क्योंकि यार फिर ज़्यादा हाईलाइट होंगे, मतलब हाईलाइट इन द सेंस कि अगर मैं वैसे थोड़ा एक मेरा स्वेटर है जो स्कूल कॉलेज ड्रेस जैसा लगता है तो उसे पहन जाती थी, तो आज मैं वो भी पहन के नहीं जा रही, क्योंकि मुझे ना वहाँ पे कैजुअल में अलाउड नहीं है, तो बस मेडिकल देने जाना है, इसलिए आज मैं इसी को वेयर करके जा रही हूँ। और शायद आते टाइम अपने फ़ोटोशूट वगैरह भी करूँ, डिपेंड्स ऑन माय सिचुएशन। पता नहीं यार स्पेक्स कैसे लग रहे हैं मेरे फेस पे, अच्छे भी लग रहे हैं या नहीं, बट मैंने लगा लिए। ख़ासतौर से मेरे बड़े वाले भैया को ज़्यादा शौक है, तो यार मैं ज़्यादा इसलिए बाय नहीं करती, मैं उन्हीं के यूज़ कर लेती हूँ, और वैसे वो मेरे लिए लाते रहते हैं दोनों भाई, जो भी गुची अरमानी का जो भी उन्हें अच्छे अच्छे लगते हैं ना लेके आ जाते हैं, एमके वगैरह के हैं मेरे पास काफ़ी स्पेक्स। अब आज मेरा कौन सा दिन है, मे भी आज मेरा 48+49 का व्लॉग डलेगा, हाँ क्योंकि मेरे पास मैं कल पूरा व्लॉग अपना नहीं कर पाई थी, 1-2 मिनट का ही हुआ था, तो इसलिए आज मैं अपना व्लॉग कंप्लीट करूँगी, बट अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। यार मेरे ना सिर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, और आज थर्सडे है, वैसे तो मैं थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करती हूँ, बट आज करने पड़े क्योंकि मेरे से रहा नहीं जा रहा था इस वजह से। अब पहले धूप में हेयर सुखाऊँगी आके, देन उसके बाद में कल मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। गाइस
यार मेरा मेडिकल अभी डिपॉजिट नहीं हो पाया क्योंकि वो पता नहीं किसी रीज़न की वजह से अभी बुलंदशहर से बन के नहीं आ पाया था इस वजह से, और मेरे घर पे कोई रिलेटिव आ गए तो मुझे जाना पड़ रहा है वापस। और भाई मैंने काफ़ी देर अभी कॉलेज में भी रुकी बट मेरा मेडिकल आ ही नहीं पाया। और मैं सोच रही थी कि मैंने बोला था ना कि मैं फोटोशूट वगैरह कर लूँगी, तो फिर अभी मेरा वो भी सब कैंसिल हो गया। अब पहले घर पर जाके उनको देखते हैं। अब तो फिर यार ऊपर जाने के बाद मेरा उतरना बहुत मुश्किल होता है, अब तो सीधा डायरेक्ट कल ही होगा जो भी काम होगा। और कल मेरा एग्ज़ाम भी है, पहले 9 बजे कॉलेज पहुँच जाऊँगी, क्या पता हो जाए, तो देखते हैं। मैंने अपने भैया को भी फ़ोन करा था कि भैया मेरे को ऐसे ऐसे हो गया है, आप मेरा मेडिकल जमा करवा दो, कुछ बात बात करके देख लो। अब देखते हैं यार क्या डिसाइड होगा, अदरवाइज हमें असाइनमेंट बना के देने होंगे तो उससे भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस मैं अभी नीचे से आई थी, कुछ काम से गई थी गाड़ी से। आजकल ना मेरा गाड़ी में ज़्यादा ब्लॉग्स बन रहा है, बट मुझे एक चीज़ मैं भूल जाती हूँ, रोज़ हो रहा है, थार बंद कर देती हूँ यानी लॉक करना भूल जाती हूँ, और मैं फिर से चेक करने आई हूँ, फिर इसको दोबारा से लॉक कर दूँ तो इसके आगे वाली जो लाइट होती है ना वो खुल जाती है, बट चलो वो नहीं खुली है, मैं चेक करने आई थी। और यार अब काफ़ी गर्मी लगने लगी है, ठीक है, तो मैंने ना इसीलिए अब स्लीवलेस पे आ गई। और मुझे वाइट कलर या लाइट कलर बहुत अच्छे लगता है पहनना, मैंने वो ही पहन लिया। बट यार जैसा भी मौसम है ना, अगर पूरे इंडिया में ऐसा मौसम रह करे ना हर टाइम, तो भाई मौसम से कोई भी दुखी नहीं होगा। अभी बिल्कुल परफेक्ट मौसम चल रहा है, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ ना, ज़्यादा सर्दी में भी और ज़्यादा गर्मी में भी, बट अभी बिल्कुल सही हो रहा है टेम्परेचर।